हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर की। और इसमें क्या करेंगे हम, इसमें अभी तक पिछले क्लास में हमने प्रोपोर्शन पढ़ा था, फिर उसके बाद में प्रोपोर्शन के बाद में रेशियो की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ था। अगर तो उस केस में क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल अपॉन इज इक्वल टू किसके इक्वल होता था, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ, या ए प्लस बी दो टर्म लिए तो नीचे भी दो टर्म ही लेंगे बी प्लस डी। और फिर इसके अलावा हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, जैसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे नंबर्स के क्वेश्चन थे, और फिर उसके अलावा और क्वेश्चंस डिस्कस करे थे जो अर्थ वाला क्वेश्चन था, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर वाला। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और देखो ये क्या ये एग्ज़ाम में आती हैं चीज़ें, और थोड़ी सी इनकी लेवल हाई है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनकी। और फिर एक बार अगर आपने इस पर मेहनत कर ली तो फिर आपको बार बार कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप सभी क्वेश्चन ढंग से कर पाओगे। अभी आप मैं जब पढ़ा दूंगा उसके बाद आप कोई भी बुक ले आना, कोई भी बुक एनी बुक, तो आपके आपको उससे मतलब आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर ही कर लोगे। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है जो आपको डाउट आए, तो उसके लिए वो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी के लिए अब क्या रहेगा, अभी के लिए जैसे मैं एक दो चीज़ जो रह गई है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो सीट दी है मैंने उसके क्वेश्चन हैं वो मैं हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आगे चलते हैं। जैसे जो चीज़ रह गई थी प्रपोर्शन में वो क्या रह गया था, वो रह गया था सी एन डी रूल। वैसे यहाँ पे इसका यूज नहीं है, लेकिन जो सी एन डी रूल बनता है वो यहीं से बनता है। तो सी एन डी रूल जो आपने पढ़ा होगा, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी गिवन है आपको, देन उस कंडीशन में क्या होता था, देन सी एन डी रूल क्या क्या बोलता है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो उस कंडीशन में अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी आपको दिया है, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये बेसिकली एक अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट है, और लेकिन इसका डेरिवेशन यहीं से होता है। तो और ये बहुत से क्वेश्चन को ईजियर बना देता है, उनमें टाइम कम लगता है, टाइम लेस बना देता है। तो इसके लिए इसका आप डेरिवेशन देखेंगे, इसके डेरिवेशन के लिए मैं क्या करूँगा, दोनों साइड अगर मैं पहले वन ऐड करता हूँ तो ए अपॉन बी प्लस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ये हो गया पहला, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अगर अब मैं वहीं दूसरी साइड इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो ए अपॉन बी माइनस वन इज इक्वल टू सी अपॉन डी माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर मैं फर्स्ट बाई सेकंड कर देता हूँ, अगर फर्स्ट को डिवाइड कर देता हूँ सेकंड से, तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो बी इसके भी अपॉन में, बी इसके भी अपॉन में, तो बी से भी तो कट ही जाएगा, तो बी से भी कट जाएगा, तो इस साइड क्या बचेगा, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, और इधर भी डी में अपॉन में है और उधर भी डी अपॉन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, सॉरी, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी बचेगा। तो यहीं से क्या आता है हमारा, सी एन डी रूल आता है। तो सी एन डी रूल की क्या हो गई, डेरिवेशन हो गई। अब सी एन डी रूल की ये डेरिवेशन हो गई, ये क्या है, अर्थमेटिक वो एलजेब्रा का एक रूल है। अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी दिया है हमें, तो हम क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के भी इक्वल होगा वो चीज़। तो ये इसका यहाँ से डेरिवेशन आ गया। आप इस पर एक आध क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि, और ये आगे भी यूजफुल होगा, जैसे कुछ भी आप पढ़ते हो तो कहीं कहीं लग जाता है। अब जैसे इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है इफ एक्स इज इक्वल टू फोर ए बी अपॉन ए प्लस बी, देन एक्स प्लस टू ए अपॉन एक्स माइनस टू ए प्लस एक्स प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी इज इक्वल टू वॉट, तो ये किसके इक्वल होगा। तो अब मुझे कैसे पता ये क्वेश्चन सी एन डी का है, पहले तो सी एन डी में भी मैंने क्या बताया था, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की फॉर्म बनती है, तो इधर भी क्या कुछ चीज़ से वही सेम चीज़ जुड़ रही है, वही सेम चीज़ घट रही है, इधर भी वही सेम चीज़ जुड़ रही है, वही सेम चीज़ घट रही है। और उसके अलावा सी एन डी की कंडीशन क्या थी, दो
दो फ्रैक्शन को इक्वल होना चाहिए, तो वहाँ पे एक्स ए अपॉन बी था, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू 4a अपॉन ए प्लस बी, तो यहाँ पे ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी की कंडीशन भी बन रही है। और मुझे हिंट कैसे मिली कि यहाँ पे सी एन डी लगेगा, मुझे हिंट यहाँ से मिली कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी में बी जुड़ रहा था, बी घट रहा है, तो यहाँ पे भी 2a ही जुड़ रहा है और 2a ही घट रहा है, और इधर भी वैसा ही है। तो पहले मैं क्या करूँगा इसका, मुझे आंसर तो वैसे मुझे डायरेक्ट ही पता है कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, लेकिन अब ये आएगा कैसे उस चीज़ को देखेंगे। उस चीज़ को देखने के लिए मैं क्या करूँगा, नीचे मुझे एक्स प्लस 2a बनाना, तो इसके लिए मैं एक्स इसको मैं क्या लिखूँगा, उसके लिए मैं क्या लिखूँगा इसको 2a इंटू 2b अपॉन ए प्लस बी। इतनी बात समझ में आती है सबको, 2a इंटू 2b इज इक्वल अपॉन ए प्लस बी, एक्स की वैल्यू हो गई, तो यहाँ से मुझे तो एक्स अपॉन 2a चाहिए, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा सी एन डी लगाना है, प्लस में करना है वो, तो अब ये वाला 2a इधर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स अपॉन 2a इज इक्वल, और ये इंटू का साना बट जाएगा, तो यहाँ पे कितना ही है ये 2 ही है, यहाँ पे कितना ही है 2 ही है, तो एक्स अपॉन 2a इज इक्वल टू 2b अपॉन ए प्लस बी हो गया। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब क्या करेंगे, अगर मैं अब सी एन डी लगाता हूँ, सी एन डी रूल, अगर मैं सी एन डी लगाता हूँ तो क्या होगा, ए प्लस बी ऊपर बचेगा, यानी ए प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन नीचे क्या होगा एक्स माइ ए माइनस बी, यानी ए का काम यहाँ पे ये कर रहा है एक्स, और बी का काम क्या कर रहा है 2a कर रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा 2b प्लस ए प्लस बी अपॉन 2b, दोनों का एडिशन इज इक्वल अपॉन 2b माइनस ए प्लस बी। इतनी बात सबको समझ में आती है। अब सी एन डी होता क्या था, मैंने अभी बताया था, इफ यहाँ पे लिख लेंगे फिर से, इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अलजेब्रा की, ए देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो यही तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है कि ए प्लस बी एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a इज इक्वल टू 2ab प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये चीज़ किसके इक्वल होगी 3b प्लस ए के इक्वल होगी, अपॉन अपॉन में क्या रहेगा इसके, अपॉन में रहेगा बी माइनस बी, इधर 2b में से एक बी जाएगा तो बी बचेगा, और बी माइनस ए हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आती है। अगर अब मैं वहीं इसको ऐसा लिखता इस 2 को, अगर मैं इसको ऐसा कर देता, अगर अगर मैं इस 2b को नीचे ले जाता और उसको ऊपर ले जाता, 2b एक्स अपॉन 2b इज इक्वल टू 2a अपॉन ए प्लस बी। इतनी बात सबको समझ में आती है, इतनी बात सबको समझ में आती है, एक्स अपॉन 2b इज इक्वल टू 2a अपॉन ए प्लस बी। तो अब क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में क्या होगा, जब b यहाँ पे था और a यहाँ पे था, तो अब मैंने b और a को इंटरचेंज कर दिया। जब आप इसको करके देखोगे तो एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे b से a रिप्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे b थे, अब यहाँ पे a है, और यहाँ पे b था और यहाँ पे a है, तो उसमें भी बी से को रिप्लेस कर देंगे, तो 3a प्लस बी, ये नहीं तो अगर करके देख लेंगे, अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो, वैसे हो जाना चाहिए, बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, कि मैंने बी को ए से रिप्लेस कर दिया, तो इस इक्वेशन में भी बी से ए ही रिप्लेस हो जाएगा, और ए माइनस बी बन जाएगा, ये थ्री ए की जगह बी, बी की जगह ए आ गया, तो 3a प्लस बी, और यहाँ पे भी ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। अब ये इतना हो गया, अब इतना हो गया, अब क्या पूछा था क्वेश्चन में आपसे, एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b। तो अब इसका क्या करेंगे, अब मुझे ये तो पता ही लग गया कि एक्स प्लस 2a की वैल्यू कितनी, एक्स प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a की वैल्यू कितनी है 3b प्लस 1 के, 3b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1, और प्लस प्लस ये किसके इक्वल है, अभी मैं इसको रब कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ उसको, और एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b की वैल्यू किसके इक्वल थी 3a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के इक्वल थी, यही तो था भैया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, अब ए माइनस बी को, ए माइनस बी को, अब इसको कैसे लिखेंगे 3b प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। अब मैं ए माइनस बी को बी माइनस ए तो बना सकता हूँ ना, तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, और 3a प्लस बी
क्यों? क्योंकि इसमें से जब मानस कोमल लूंगा तब यह बी मानस ए बनेगा, और नीचे वाला मानस तो वहीं पे आ जाएगा, फिर बी मानस ए मानस आ गया यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इस यहाँ से हमने मानस कोमल लिया था ए मानस बी से, तो बी मानस ए में हो गया, जिससे हमारी दोनों का न्यूमरेटर क्या हो जाए, सेम हो, डिनोमिनेटर क्या हो जाए, दोनों का सेम हो जाए। अब अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो यही इनका एलसीएम हो गया। तो 3b+a - 3a - b, तो ये कितना बन गया, 3b - b = 2b, और a माइनस टू 3a = -2b। तो 2 कॉमन ले लिया तो a माइनस बी बच गया, ये b माइनस ए, सॉरी 2 कॉमन ले लिया तो b माइनस ए हो गया, और अपॉन b माइनस ए, और आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब क्या किया मैंने, ये तो मैंने सी एन डी जस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन लिया कि सी एन डी का यूज कैसे होता है। वो इतना ज़्यादा मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अलजेब्रा की प्रॉपर्टी है, अलजेब्रा आपके में उतना आता नहीं है तो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए रखता नहीं है, फिर भी आपको ये आना चाहिए, बेसिक चीज़ है। क्या सीखा हमने कि एक्स अपॉन अगर दो फ्रैक्शन इक्वल होती हैं तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे एक्स प्लस टू ए पूछा था हमें, इंट कैसे मिली, वहाँ पे ए प्लस बी, सी एन डी में क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे भी कुछ ए प्लस बी और ए माइनस बी से ही पूछा है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको नीचे लेके आऊँगा वही सेम नंबर जुड़ रहा था, वही सेम नंबर घट रहा था, तो मुझे वहीं से इंट मिली यार, इसमें सी एन डी लग सकता है, और जब इसमें सी एन डी लग सकता है तो मैंने इसको ऐसे करके लिख दिया था नीचे, इसको 2a * 2b की फॉर्म में लिख दिया था, फिर इसको 2a को नीचे ला के सी एन डी लगा दिया, और फिर जब सी एन डी लगा दिया तो वो मैंने अभी मिटा दिया था, उसको क्या बन गया था, फिर उसको सी एन डी लगाने पे 3b + a / b - a मिल रहा था एक केस में, एक केस में 3b a + b / a - b मिल रहा था। फिर इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब एक एक और चीज़ और जानते हैं बस, फिर उसके अलावा क्वेश्चन करेंगे जो सीट के क्वेश्चन हैं, क्वालिटी क्वेश्चन। वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, लेकिन एक बार मैंने मेरे पढ़ाने के बाद आपको कहीं से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी सीट है उसमें मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ूंगा आपके लिए जो सेम टाइप के हैं, बस वो आपको करने हैं, और फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कोई सी भी बुक आप उठा लेना, उसके क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे ही होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको पता होना चाहिए, उसको बार बार रिविजन पर डालना है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कल प्रोपोर्शन बताया था कि 2, 4, 8 और 16, ये क्या प्रोपोर्शन में, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते थे, मैंने बताया था कि प्रोपोर्शन के लिए क्या करते थे, पहले वाली दो का रेशियो बाद वाली दो के रेशियो के इक्वल होना चाहिए, तो 18/16, तो ये 1/2 और ये भी 1/2, ये भी 1/2 के इक्वल हो रहा था, ये भी 1/2 के इक्वल हो रहा था। अगर अब ये 1/2 मतलब दोनों का रेशियो बराबर है, तो प्रोपोर्शन का ये सिंबल होता है, ये कल मैं बताना भूल गया था, 4 डॉट, यानी कि 2:4, ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है, और 8:16, तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल होता है। बस मुझे ये बताना था कि ये आपको ये कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो मतलब इसका मतलब प्रोपोर्शन ही है, आप ये अदरवाइज ना ले लें इसको, क्योंकि ये इसका मतलब ही प्रोपोर्शन होता है, और इसका मतलब क्या किसके इक्वल होता है, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू के, यानी कि 2/4 = 18/16, मतलब इसका मतलब इक्वल टू के इक्वल ही होता है। तो आपको बस ये याद रखना है, बस मुझे ये चीज़ बतानी थी कि आपको कहीं ये सिंबल लिखा हुआ दिख जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए। अब बात करेंगे आगे की, आगे चलते हैं, और आप कुछ क्वेश्चन लेंगे बढ़िया क्वालिटी वाले क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने पिछली क्लास में रिवाइज की होंगी और अच्छे से उनको पढ़ा होगा। अब जैसे क्वेश्चन है, क्या दिया है इसमें, Q - P ratio Q - Q कैपिटल Q है और ए स्मॉल Q है, और Q - R = 17:11:7, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या दी है, Q की वैल्यू दी है P + Q + R / 2। तो अब हमें क्या पूछा है, P = Q = R की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इफ
इफ क्यू माइनस पी रेशियो क्यू माइनस क्यू, ये स्मॉल क्यू, ये कैपिटल क्यू है, स्मॉल क्यू है, रेशियो क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 17:11:7, और एंड क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन टू, तो पी इज टू क्यू इज टू आर की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आपको अगर ये वैल्यू पूछी है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं क्या चाहूँगा, इनका मुझे रेशियो पता लगे, तो आंसर ही आ जाएगा रेशियो पता लगाने के लिए। अब इसका आंसर, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे जब मैं देखूँगा कि अगर मैं इसमें पी और तो कुछ कर नहीं सकता, मैं क्या करूँगा कि टू क्यू की वैल्यू यहाँ से मैं क्या निकाल, अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ तो क्यू माइनस पी प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर किसके इक्वल होगा, मैंने भी बताया था कि ये रेशियो है, तो ये 17:11:7 यानी कि 28 और 35 के इक्वल जाएगा ये 17:11:35 के इक्वल, तो ये 35 के इक्वल हो गया। अगर अब ये 35 के इक्वल हो गया तो मुझे ये भी पता है टू क्यू की वैल्यू किसके इक्वल है, पी प्लस क्यू प्लस आर के, तो ये कितना हो गया 3 क्यू, और जब इधर बनेगा पी प्लस क्यू प्लस आर बनेगा इधर पी प्लस क्यू 35x मान लो इधर, क्योंकि रेशियो हुआ है तो 35 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसका, लेकिन आपको समझाने के लिए 35x, अब तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सवाल में x लेना है और किस में नहीं लेना है। अगर रियल वैल्यू की बात करता है तो x को मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे एक ही पी क्यू की रियल वैल्यू पूछी होगी तो 35x रियल वैल्यू रही होगी, यहाँ पे 17x रही होगी, तो इसको तो खैर मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो 3q हो गया ये, और ये कितना हो गया 2q बन गया, तो -2q, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर किसके इक्वल हो जाएगा 2q हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा क्यू बचेगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 35x। और अगर आप क्यू की वैल्यू 35x आ गई तो यहाँ पे देखेंगे तो क्यू की वैल्यू मैंने 35x, तो क्यू माइनस पी की वैल्यू किसके इक्वल दी है आपको, क्यू माइनस पी की वैल्यू 11 इक्वल दी है 17x के, तो अगर मैं यहाँ पे 35x पुट करता हूँ और माइनस पी इज इक्वल टू 17x, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 18x के इक्वल आ गई। इतनी बात सबको समझ में आती है, तो मैंने पी की वैल्यू 18x के इक्वल आती है। फिर ऐसे ही यहाँ पे क्यू माइनस क्यू को पुट करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक चीज़ देखना, एक चीज़ अब मैं हम पहले मैं बता देता हूँ, क्यू माइनस क्यू को अगर ऐसे ही पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल है, वो किसके इक्वल है क्यू माइनस क्यू 11x के इक्वल है। अगर वो 11x के इक्वल रहा होगा और ये 35x के इक्वल रहा होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू 35 माइनस 11 इज इक्वल टू 35 माइनस 11, तो ये कितना हो जाएगा 24 के इक्वल हो जाएगा, क्यू की वैल्यू 24x के इक्वल आ गई। ऐसे ही अब मैं आर की वैल्यू की अगर बात करूं तो आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 20, आर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 28x के इक्वल आ जाएगी। तो अब मुझे इन तीनों की वैल्यू पता लग गई x के टर्म में, अब मैं इनका रेशियो तो आसानी से बना ही सकता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल आते रहते हैं, हाई लेवल क्वेश्चन है, इससे आपका दिमाग खुलेगा। तो क्या हो गया ये पी की वैल्यू कितनी है 18x, तो पी इज टू क्यू, तो मैं फिर से लिखता हूँ इधर पी इज टू क्यू इज टू आर क्या होगा, पी की वैल्यू कितनी थी 18x आई है, पी की वैल्यू कितनी आई है 18x, अगर पी की वैल्यू 18x आई है और फिर मुझे क्यू की वैल्यू भी पता है 24x, फिर मुझे आर की वैल्यू भी पता है 28x, तो यहाँ से पी इज टू क्यू इज टू आर मुझे पता लग गया किसके इक्वल होगा ये, और यहाँ से x से मुझे पता है डिवाइड हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 times जा सकता है सब में, तो ये 9, 12 और 14 की आ गया इस, ये और यही इसका है, इस क्वेश्चन का आंसर है। तो मैंने इस क्वेश्चन को कैसे करा, मैंने क्या करा, कुछ तो करना ही है, तो पहले मैंने इन तीनों को ऐड करा, मैंने इन तीनों को ऐड करा तो 35 या यूनिट के इक्वल मान लेते, या यहाँ पे अब 35 भी मान लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रेशियो से ही रेशियो निकालना है और कुछ तो एग्जैक्टली बात की नहीं है। तो अब मैंने ये समझाने के लिए आपको एक्स माना था, अब आप इसको हटा भी सकते हो, जैसे मैंने इसको 35 मान लिया, अब देखना इसको मैंने 35, तो क्यू की वैल्यू किस कितनी आ गई 35, और अगर क्यू की वैल्यू यहाँ पे 35 आई है तो मैंने इसको यहाँ पे हटा दिया, क्यू की वैल्यू को 35 माइनस पी हो गया, और ये भी यहाँ से भी एक्स हटा दिया, तो
क्यू पी की वैल्यू कितनी बची, 18 बची। फिर पी की वैल्यू 18 आ गई, ऐसे ही मैं क्यू की जगह क्या रखूँगा 35, तो और पी माइनस क्यू कितना हो गया, हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी, और फिर ऐसे ही आर की वैल्यू 28 आ जाएगी, और यहाँ से भी एक्स हट जाएगा, फिर यहाँ से भी एक्स हट जाएगा, यहाँ से भी एक्स हट जाएगा, और फिर ये आंसर क्या आ जाएगा 9:12:14। तो आई होप इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन की मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, मुझे पहले क्या पूछा है, अब मुझे अगर पी वाला पूछा है पी रेशियो, तो पी किस में आ रहा है, पहले वाली में आ रहा है, पहले वाली में आ रहा है, तो मुझे बाद वाले दो अगर ऐसे ही कंडीशन दी होगी कि क्यू, ये तभी लगेगी जब पी प्लस क्यू प्लस आर अपॉन टू ऐसा कुछ करके दिया होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा, अगर पी इसमें है तो बाद वाले दो में पी नहीं है, तो मैं मुझे अगर पी की वैल्यू निकालनी है, अगर ध्यान से देखना, अगर मुझे पी की वैल्यू निकालनी है अगर, तो मैं क्या करूँगा, बाद वाले दो को ऐड कर दूंगा, क्योंकि बाद वाले जिनमें पी नहीं है उनको ऐड करना है, तो बाद वाले दो को पी की वैल्यू बन जाएगी, तो 11 + 7। और क्यू किस में आया है, दूसरी वाली में आया है, तो दूसरी वाली में कौन था 11, 11 को हटा दो, 11 को हटा दिया तो दो कौन से बचे, दो रिमेनिंग कौन से बचे, 17 और प्लस 7, जिनमें क्यू नहीं, जो छोटा वाला क्यू है, सॉरी कैपिटल वाला नहीं है, तो 11 क्यू 17 + 7। और ऐसे ही आर किस में आ रहा है, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले को छुपा दो, बाद वाले दो को ऐड कर दो, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 17 + 11। तो अब ये क्या बन गया 18, और ये यहाँ पे कितना बन गया 24, और ये यहाँ पे कितना बन गया 28, 18, 24 और 28 बन गया। अभी अगर इतना बन गया तो यहाँ पे भी वही बनना था 18, 24, 28। अब इसको अगर दो से डिवाइड करूँगा तो 9, 12, या इसको अभी मैं 9, 12 और 14 बन गया। तो आपको अब ये क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, क्या याद रखना है, अभी मैं इसको और एलोबरेट कर रहा हूँ कि ये कैसे हुआ, पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन को कराने के लगभग आपको 3 से 4 तरीके दूंगा, और जो सा भी आपको पसंद आए उस तरीके से आपको करना है, और मैं एक बेस्ट मेथड बताऊंगा उसका कि ये तरीके से आपको जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी चॉइस है। तो क्या पूछा था, पी इस टू क्यू इस टू आर पूछा था, अब पी इस टू क्यू इस टू आर, तो 9:12:14 आ गया। अभी ये हुआ कैसे, ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे, अब मैं ये बताता हूँ। अब मैं पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर रहा था, मैं पी को छुपा रहा था, बाद वाले दो को ऐड कर रहा था, तो यहीं से इसको, यहीं से शॉर्ट ट्रिक का पता लगेगा, यहीं से शॉर्ट ट्रिक ड्राइव होगी कहाँ से बनी है। तो बाद वाली दो को अगर मैं ऐड करूँगा तो क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 11 + 7, डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ क्योंकि रेशियो ये है और रेशियो से रेशियो ही पूछा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है एग्जैक्ट निकालने। हाँ मैं एक बात बताता हूँ, या शायद छूट गई हो, तो अगर रेशियो देखे, फॉर एग्जांपल अभी इस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जैसे अभी मैं इसको करा देता हूँ फिर मैं बाद में बताता हूँ, तो क्यू माइनस क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 11 + 7 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 + 7। अब ये कितना बन गया, ये बन गया कितना 2q माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 18। इतनी बात सबको समझ में आती है। और अगर ये 18 बन गया तो 2q की वैल्यू क्या थी, पी प्लस क्यू प्लस आर थी। अब मैं 2q की वैल्यू अगर पी प्लस क्यू प्लस आर पुट करता हूँ, और इसमें से क्यू प्लस आर अगर जाएगा तो 18 के इक्वल। अब ये पी प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू प्लस आर बचेगा, तो ये पी तो बचेगा और यही क्या होगा 18 होगा। तो इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर दे रहा था कि यहाँ से मुझे मिल गया कि जब मैं जो जिसमें पी नहीं है उनको ऐड करूँगा तो मुझे पी मिलेगा, और जिसमें आर नहीं है उनको मैं ऐड करूँगा तो मुझे आर ही मिलेगा। तो यहाँ से ये ट्रिक बन जाएगी कि पी की वैल्यू 18 आ गई, और पी की वैल्यू भी कितनी आ रही थी 11 + 7। तो यहाँ से भी अगर मैं मुझे आर अगर मुझे क्यू चाहिए होता तो मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, तब क्या बन जाएगा क्यू बन जाएगा। तो क्यू की वैल्यू 17 + 7 कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। फिर आर को जब मैं आर चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे क्या बनेगा आर ही बनेगा, तो आर बनेगा, तो आर चाहिए होगा तो आर के समान नहीं है 17 + 11, तो यही आर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक थी क्या थी, मैं फिर से बताता हूँ कि मुझे अगर पी चाहिए तो जिसमें पी है वो छुपा दो, ये भी छुपा दो,
जिसमें पी है ये छुपा दो, वो भी छुपा दो, फिर क्यू माइनस क्यू क्यू माइनस आर दोनों को ऐड किया, क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 11 प्लस 7, तो यहाँ से 2q माइनस क्यू प्लस आर स्मॉल q प्लस आर इज इक्वल टू 18, तो p प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से जब क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कैंसिल हो जाएगा और क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर जब कैंसिल हो जाएगा तो p इज इक्वल टू 18 बचेगा। ऐसे ही मैं जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे क्यू चाहिए होगा, स्मॉल क्यू चाहिए होगा, तो मैं जब इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 17 प्लस 7, तो 17 प्लस 7 को जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, मुझे क्यू मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने जब मैं क्यू निकाल रहा था तो मैंने क्या किया था, 17 प्लस 7। तो आई होप ये शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आई होगी और ये कैसे बनी ये भी समझ में आई होगी। अब एक बात पे आते हैं जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था वो भी मैं बताता हूँ। अब मैं कॉन्सेप्ट क्या बता रहा था, कॉन्सेप्ट में ये बता रहा था कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, बस इसको वैसे तो मैंने बता ही दिया था लेकिन इसको बताना जरूरी है कि ये वो वाला कॉन्सेप्ट है, नाम बताना। जैसे 5/2 बता रहा था और फिर मुझे क्या पूछा है, 2 प्लस 3v / 2a - 3v। तो अगर ये पूछा था तो मैंने क्या बताया था कि अगर ऊपर नीचे पावर सेम है, ऊपर नीचे अगर पावर सेम है, ऊपर नीचे पावर सेम है तो उनका रेशियो ही करेक्ट आंसर दे रहा था। और मैं यहाँ पे क्या रख देता था ए को ही डायरेक्ट 5 और बी को डायरेक्ट 2 रख देता था। तो 2 × 5 + 3 × 2 / 2 × 5 - 3 × 2, तो ये कितना हो गया, ये 5 8 16, ऊपर 16 बन गया और नीचे कितना बन गया, 10 - 6, तो यानी कि 4 बन गया। तो ये कितना बच गया, 4 बच गया। अब इसमें तो ये तो हम पढ़ ही चुके थे, इसमें नई बात क्या है, इसमें नई बात ये है कि ये 2a + 3b / 2a - 3b तो क्या था, रेशियो ही है, एक रेशियो ही है अपॉन में बनना है। तो जब भी मुझे रेशियो पूछा जाए तो मुझे क्या एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट तो ली नहीं, मैंने ए को 5 मान लिया, बी को 2 मान लिया, उनके रेशियो को ही तो रख दिया, मान लिया। यहाँ पे ए की वैल्यू एग्जैक्ट 5 थोड़ी है, बी की वैल्यू एग्जैक्ट 2 थोड़ी है, लेकिन मैंने यहाँ पे जब देख लिया कि रेशियो पूछा है और रेशियो दिया है तो मुझे क्या करना है, एग्जैक्ट वैल्यू का यूज नहीं करना है, बिना एग्जैक्ट के भी आंसर आ जाएगा, जब मैं उनके रेशियो को रख दूंगा डायरेक्ट तो भी आंसर आ जाएगा। तो अब यही नोट यहाँ पे लिखेंगे, इफ रेशियो इज आस्क्ड इन क्वेश्चन, इफ रेशियो इज आस्क्ड इन क्वेश्चन then there is no need of taking real value. अभी मैं इसको समझाऊंगा। इफ रेशियो इज आस्क्ड इन क्वेश्चन देन देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग रियल वैल्यूज, ओनली रेशियो ऑफ गिवन ऑफ गिवन कंडीशन will give correct answer। तो क्या है मतलब, इफ रेशियो इज आस्क्ड इन क्वेश्चन देन देयर इज नो नीड ऑफ टेकिंग रियल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपसे रेशियो पूछा है तो आपको रियल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू को लेके चलने की जरूरत नहीं है, ओनली रेशियो ऑफ गिवन कंडीशन विल गिव करेक्ट आंसर। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब यही हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मान लो ले लेता ए की जगह मैं 10 ले लेता एग्जैक्ट वैल्यू और बी की जगह क्या ले लेता 4 ले लेता। अब मैं जब ए को 10 पुट करूंगा बी को 4 पुट करूंगा क्योंकि उन दोनों का रेशियो क्या है 5:2 है तो भी आंसर 4 ही आएगा, लेकिन अगर मैं उनके रेशियो को पुट करता हूँ तो भी आंसर 4 ही आएगा। तो जब रेशियो किस लिए बेनिफिशियल रहेगा, जब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगी, ए की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी तो बी की वैल्यू भी बहुत बड़ी रहेगी, तो हमें उस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें उस केस में उनका मुझे पता है जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू रखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा अगर रेशियो पूछा है,
अगर रेशियो ही पूछा है तो सवाल में अगर एग्जैक्ट लेके चलूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे उनके रेशियो को ही बना के उनके उनको एक रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू मान के पुट कर दिया करेंगे अगर रेशियो ही पूछा है सवाल में। क्यों? एक कंडीशन सिर्फ वो बनती थी जब पावर ऊपर नीचे सेम नहीं होती थी, उस केस में आंसर क्या आता था? कांट बी डिटरमाइन। अगर ऑप्शन में कांट बी डिटरमाइन नहीं है तो हम समझ जाएंगे इसका आंसर तो आ ही रहा है, और अगर आंसर आ रहा है तो इसका आंसर रेशियो के उन नंबर्स को रेशियो में कन्वर्ट करके भी लिया निकाला जा सकता है आसानी से, तो हमें वहाँ पर रियल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है।